नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो आज का ये वीडियो सेशन आइए स्टार्ट करते हैं एग्रो मेटेरियोलॉजी पर। तो एग्रो मेटेरियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, जो कि JRF, SRF, BHU, UP, CATET या ICR जैसे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है द स्टडी ऑफ इनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लैनेट एंड ऑफ द फेनोमेनन एसोसिएटेड विद एटमॉस्फेयर। तो जो स्टडी ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द प्लैनेट, ये जो हमारा प्लैनेट है इसके सराउंडिंग में जो एयर है यानी एयर का जो इनवेलप बना हुआ है, ये किससे, जो कि एटमॉस्फेयर से एसोसिएटेड है, उस इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है मेटेरोलॉजी, यानी अर्थ के सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं जो एसोसिएटेड हैं एटमॉस्फेयर से, उन्हें हम मेटेरोलॉजी कहते हैं, उसके अध्ययन को। नेक्स्ट है अ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग ए लॉन्गेस्ट पीरियड। दोस्तों ये जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है वो क्लाइमेट के लिए होता है, यानी अ वेदर कंडीशन एक मौसम का कंडीशन जो कि किसी एक रीजन के लिए लॉन्गेस्ट यानी लंबे समय के लिए दिया गया हो, तो वो होता है क्लाइमेट। इसका राइट आंसर है क्लाइमेट। और जो दूसरा है जिसमें कन्फ्यूजन रहता है वो है ए कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम, यानी एक प्लेस पे और जो गिवन टाइम है वो कम समय के लिए भी होता है, तो वो वेदर होता है। यानी जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है वो एक प्लेस पे गिवन टाइम में जो कहलाता है वो कम टाइम के लिए होता है, वो होता है वेदर होता है। जबकि कंडीशन वेदर का जो कि किसी एक रीजन के लिए दिया गया हो और वो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए हो, तो वो क्लाइमेट कहलाता है। तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानसून इज़ ए, दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून इज़ ए, मानसून एक अरेबिक वर्ड है। नेक्स्ट है गैसियस इन्वेलप सराउंडिंग द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर, यानी जो गैसियस इन्वेलप है जो हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है, घेरे हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज़, राइट आंसर है सन, यानी अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का पृथ्वी पर वो क्या है, वो है सन। नेक्स्ट द मेन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी अर्थ और सन के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 1.5×10⁸ किलोमीटर्स। तो ये सन और अर्थ के बीच की मेन डिस्टेंस है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑन द सन इज़ अराउंड, यानी सन का टेम्परेचर कितना होता है, तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है सन का। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है अगस्ते माउचाउट, यानी अगस्त माउचाउट ने सोलर एनर्जी की खोज की थी। नेक्स्ट है द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस, यानी सनलाइट में जो रेडिएशन होता है और वो हमें हॉटनेस यानी गर्म होने का या फिर गर्म मौसम का एहसास दिलाता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट द रेडिएशंस इमिटेड बाय द सन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्किन कैंसर, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट है इन द एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस अकाउंट फॉर अबाउट 99% बाय वॉल्यूम, यानी एटमॉस्फेयर में कौन सी ऐसी गैस है, यानी कौन कौन सी गैसेस हैं जिनका 99% योगदान है पूरे एटमॉस्फेयर के गैसियस वॉल्यूम में, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एयर एंड सॉयल इज, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो CO2 का कंसंट्रेशन है
एयर में वो है 0.030%, यानी 0.03%, और जो सॉयल में है वो है 0.25%। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एन एवरेज परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग टू द अर्थ, यानी जो सोलर रेडिएशन का एवरेज है वो कितना परसेंटेज अर्थ तक पहुंचता है। तो राइट आंसर है 50%, यानी सोलर रेडिएशन 50% तक ही अर्थ पर पहुंचता है, बाकी इधर उधर ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द क्लाइमेट, यानी वो कौन सा ऐसा पहला साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। तो राइट आंसर है डी कैंडोल, जिन्होंने 1900 यानी 1900 में क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको कई बार JRF, SRF और ICR, BHU और UP कैटेट जैसे एग्जामों में बहुत बार पूछ लिया, तो इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कोपेन एंड थॉर्न वेट क्लासीफाइड द क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ, इन्होंने क्लाइमेट को किसके बेसिस पे डिफाइड किया है या क्लासीफाई किया। तो राइट आंसर है एनुअल रेनफॉल एंड एनुअल एवेपोरेशन। नेक्स्ट है ट्रॉल क्लासीफाइड द क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ट्रॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लाइमेट को किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया था। तो राइट आंसर है ह्यूमिड मंथ एंड टेम्परेचर, इसके बेसिस पे उन्होंने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट एबल टू रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल मेटेरोलॉजिकल डाटा बाय डिजायर्ड इंटरवल एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस, तो कौन सा ऐसा मेटेरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेटेरोलॉजिकल डाटा को रिकॉर्ड कर सकता है किसी भी समय पे कहीं भी। तो राइट आंसर है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ये इंस्ट्रूमेंट है और यही मेट्रोलॉजिकल डाटा को कहीं भी और किसी भी समय डिज़ायर्ड रिकॉर्ड देता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज़, तो राइट आंसर है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है अ सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ नोन एज, तो जो एनर्जी का कुछ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस में अर्थ के द्वारा। तो वो जो एनर्जी सन से आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अर्थ के द्वारा, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है। तो राइट आंसर है एल्बिडो, तो एनर्जी का जो सर्टेन पार्ट होता है वही रिसीव्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो राइट आंसर है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस पे डिवाइड है। नेक्स्ट है ऑल वेदर फिनोमेना रेन फॉग फ्रॉस्ट क्लाउड अकर इन द जोन ऑफ, यानी जो वेदर फिनोमेनास होते हैं जैसे वर्षा हो गई, कुहासा धुंध हो गया या फिर क्लाउड्स हैं, ये सब किस जोन में हैं एटमॉस्फेयर के। तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फीयर, इसी स्फीयर में ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे रेन्स हो गया, फॉग हो गया, फ्रॉस्ट हो गया एंड क्लाउड्स हो गया। अगला है क्लोजेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो राइट आंसर है ट्रोपोस्फीयर, जो क्लोजेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर है, डेंस सना और क्लोजेस्ट यानी नज़दीक का है, तो वो है ट्रोपोस्फीयर, जो 8 से 18 किलोमीटर हाइट पर होती है। अगला है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो स्ट्रेटोस्फीयर जोन में ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है जो कि 20 से 48 किलोमीटर के रेंज में होता है। अगला है द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी मीजोस्फीयर जो होता है वो कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा रीजन होता है एटमॉस्फेयर का। अगला है रेडियो ट्रांसमिशन फाउंड इन, तो जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो आयनोस्फीयर जोन में होता है, जैसे हम रेडियो घर पर बैठकर सुनते हैं, ये सारी जो प्रोसेस होती है वो आयनोस्फीयर जोन में होती है। अगला है जो क्वेश्चन है गैस लेस जोन इज, यानी ऐसा कौन सा जोन है जिसमें गैस नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर है द
थर्मोस्फेयर में कोई गैस नहीं पाई जाती, इसे गैसलेस जोन बोलते हैं, जो कि मोर देन 80 किलोमीटर हाइट पर होती है। इसका रेंज होता है मोर देन 80 किलोमीटर्स हाइट। अगला है ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट इज़ ड्यू टू, जैसे बादल का ब्लू कलर में हो जाना या फिर सनसेट के टाइम रेड कलर जो दिखता है वो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर डिस्पर्सन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डिस्पर्सन, जिसके द्वारा सनसेट के टाइम जो क्लाउड होते हैं वो रेड दिखते हैं। अगला है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल सोलर रेडिएशन। जो विजिबल सोलर रेडिएशन है उसका वेवलेंथ होता है 0.392 0.7 नैनोमीटर। अगला है वेवलेंथ लॉन्गर देन 750 माइक्रोन म्यू इज़ नॉट विजिबल टू द आई एंड आर आर कॉल्ड इंफ्रारेड, यानी जो 750 से ज़्यादा माइक्रोमीव की वेवलेंथ वाली रेज होती हैं वो नहीं दिखती हैं हमारे नग्न आई से। अगला है द वेट ऑफ द कार्बन ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड टाइम, जो कार्बन का वेट है इन द एयर किसी भी स्थान पर किसी भी टाइम में वो क्या है कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है द मीन सी लेवल प्रेशर इज़, तो राइट आंसर है 1013.25 मिलीबार्स। दोस्तों ये JRF में पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। जो मीन सी लेवल प्रेशर है वो होता है 1013.25 मिलीबार्स। अगला है व्हाट इज़ विंड, तो एयर ब्लोइंग एट ए पॉइंट यानी हवा का बहना किसी भी पॉइंट से वो विंड कहलाती है। नेक्स्ट है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर सरफेस विंड्स आर नोन एज, जो सरफेस विंड्स होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी जिनका इक्वेटर नॉर्थ में होता है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। अगला है विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो विंड वेन जो होता है उससे हम विंड के डायरेक्शन को मापते हैं कि किस दिशा में हवा बह रही है। अगला है विंड टर्बाइंस यूजेस, तो जो विंड टर्बाइंस होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करती है। अगला है हीट फ्लो इन सॉलिड और सॉयल टेक प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो कंडक्शन कंडक्शन जो हीट फ्लो का मेथड है उसी के द्वारा सॉलिड और सॉयल में प्रोसेस के द्वारा हीट फ्लो होता है, कंडक्शन के द्वारा। अगला है हीट फ्लो इन लिक्विड और वाटर बाय प्रोसेस ऑफ, तो कन्वेक्शन जो हीट का मेथड है हीट की फ्लो है वो वाटर में होता है या लिक्विड में। अगला हीट फ्लो इन एयर बाय प्रोसेस, तो रेडिएशन के द्वारा हीट का फ्लो होता है एयर में। अगला है इवेपोरेशन इज मेजर्ड बाय, तो इवेपोरेशन इवेपोरीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। अगला है विंड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा विंड प्रेशर मेजर करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं। अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर के द्वारा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। अगला है टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, तो पाइरेनोमीटर के द्वारा हम टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। अगला है इवेपो ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, तो लाइसीमीटर के द्वारा हम इवेपो ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर यूज्ड फॉर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का जो कॉम्बिनेशन थर्मामीटर है उसका यूज़ करते हैं। अगला है रेनफॉल इज मेजर्ड बाय, यानी रेनफॉल को हम किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं? तो राइट आंसर है रेन गेज के द्वारा। अगला है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग इवेपोट्रांसपिरेशन अंडर द फील्ड कंडीशन, तो कैन इवेपोरीमीटर को हम अंडर फील्ड कंडीशन में इवेपो ट्रांसपिरेशन मापने के लिए कैन इवेपोरीमीटर का ही यूज़ करते हैं। अगला कंटिन्यूस टेम्परेचर रिकॉर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो राइट आंसर है थर्मोग्राफ। जो थर्मोग्राफ होता है उससे हम कंटिन्यूस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं।
अगला है विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड टेम्परेचर विदाउट कॉन्टैक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने के। अगला है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एयर, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ओजोनोमीटर जो होता है उससे हम ओजोन का कंसंट्रेशन मापते हैं इन एयर में, हवा में। अगला है इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वल टेम्परेचर, तो आइसोथर्म। दोस्तों ये जो थर्म लिखा है इससे हम गेस कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो जो इमेजिनरी लाइन है जो कि इक्वल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है आइसोथर्म। नेक्स्ट है दोस्तों लाइन्स ऑफ इक्वल प्रेशर, तो बार से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर को शो कर रहा है। तो जो इक्वल प्रेशर का लाइन इमेजिनरी लाइन है वो आइसोबार के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, तो आइसो हाइट्स जो कि लाइन ऑफ इक्वल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। अगला है लाइन्स ऑफ इक्वल क्लाउड कलर, जो आइसोनेफ्स होता है वो इमेजिनरी लाइन क्लाउड कवर का शो करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन, तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कहीं कहीं पर आप 15 से 25 डिग्री सेल्सियस भी पा सकते हैं, इसको लिखा हुआ 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है टेम्परेचर इन ए डे इज ऑब्जर्व एट, तो जस्ट बिफोर सनसाइन, जो जैसे सूरज के उगने से जस्ट पहले का टाइम जो होता है वो लोवेस्ट टेम्परेचर होता है उस टाइम पूरे दिन में, तो ये राइट आंसर है हमारा। अगला है व्हाट इज़ द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फीयर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है ट्रोपोस्फीयर में। नेक्स्ट है दोस्तों द फार्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने का जो फार्मूला है वो क्या है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इनटू 100, तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अगला है द मानसून कवर्स 75% रेनफॉल इन इंडिया, तो साउथ वेस्ट मानसून। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, जो साउथ वेस्ट मानसून है उससे हमारे इंडिया का 75% रेनफॉल कवर होता है। अगला है डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया, तो राइट आंसर है 1 जून। जो मानसून इंडिया में आने का राइट टाइम है वो है 1 जून से इंडिया में मानसून आ जाती है, लेकिन इस वर्ष कुछ पहले से ही आ गई है ड्यू टू द लॉकडाउन, या फिर कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो गया है इसके वजह से। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो इंडिया में मानसून आती है वो 1 जून से आ जाती है। अगला है डेट ऑफ मानसून विथड्रॉल इन इंडिया, 31 सितंबर तक रहता है डेट, जो मानसून रहता है वो 31 सितंबर तक रहता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया कितना है, वो है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन पार्टिकुलर डे इफ़ द रेन रिसीव्ड 2.5 मिलीमीटर और मोर, तो इसको हम रेनी डे कहते हैं, यानी एक दिन में अगर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा या 2.5 मिलीमीटर तक रेन हुआ हो तो उसे हम रेनी डे बोलते हैं। अगला है एन एवरेज साइज ऑफ रेन ड्रॉप, तो 2 से 2.5 मिलीमीटर की जो डायमीटर में ड्रॉप्स होते हैं वो रेन ड्रॉप की एवरेज साइज में मापते हैं उसको हम, या एवरेज साइज बोलते हैं उसका। अगला एटमॉस्फेरिक वाटर इज नोन एज, तो ग्रीन वाटर जो एटमॉस्फेयर में वाटर है उसको हम ग्रीन वाटर बोलते हैं, और जो सॉइल वाटर है उसे हम ब्लू वाटर बोलते हैं। तभी हम अंतरिक्ष से जब अर्थ को देखते हैं तो पृथ्वी ब्लू कलर की दिखाई देती है। अगला है विच क्लाउड्स आर नोन एज रेनी क्लाउड्स, तो निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमिलो निम्बस, ये दोनों रेनी क्लाउड्स कहलाते हैं, इन्हीं के द्वारा वर्षा होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है क्लाउड टाइप्स विच गिव द हैवी एंड कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, जो क्यूमिलो निम्बस होता है इनसे हैवी वर्षा होती है और लगातार वर्षा होती है।
नेक्स्ट है एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड टर्म्ड एज क्लाउड्स, यानी माइन्यूट ड्रॉप्स यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स वाटर सस्पेंडेड इन द एयर, और हाई एल्टीट्यूड पे वाटर जो होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है यानी घुल मिल जाते हैं बादल में और हवा में, तो वो क्लाउड्स कहलाते हैं। अगला है द यूनिट यूज्ड टू रिकॉर्ड क्लाउड्स, ऑक्टा जो यूनिट होती है वो क्लाउड्स को रिकॉर्ड करने की यूनिट होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा तो इसलिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोल्ड क्लाउड सीडिंग इज डन बाय यूज ऑफ केमिकल, तो कोल्ड क्लाउड सीडिंग का जो मतलब है वो है आर्टिफिशियल रेनिंग से, तो ये किस केमिकल के द्वारा कराई जाती है, तो राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड जिसका फॉर्मूला है Ag2। नेक्स्ट है वार्म क्लाउड सीडिंग इज डन बाय, यानी वार्म क्लाउड जो सीडिंग है वो सोडियम क्लोराइड से द्वारा की जाती है, तो ये राइट आंसर है। दोस्तों Ag2 और NaCl इन दोनों का जो यूज़ होता है वो आर्टिफिशियल रेनिंग में होता है, तो उसी से ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन, तो पुणे 1932 में इनका स्थापना हुआ था, IMD इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है फिनोमिनन ऑफ वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक, तो अल नीनो के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है फिनोमिनन ऑफ कूलिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक, तो ली नीनो इसको हम जानते हैं। अगला है विच सरफेस हैज लीस्ट एल्बिडो, तो मॉइस्ट ब्लैक सॉयल के पास लीस्ट एल्बिडो होता है। नेक्स्ट है एन इंजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन जो होता है वो ड्रॉट की कंडीशन आने से ही डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। इंडेक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट्स, तो पाल्मर ड्रॉट इंडेक्स, ये ड्रॉट इंडेक्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर है पाल्मर ड्रॉट इंडेक्स। नेक्स्ट है दोस्तों द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट, तो वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है, यानी साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता हो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो वो हमारा रिमोट सेंसिंग कहलाता है जो कि प्रिसीजन फार्मिंग में आता है। अगला है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज सिचुएटेड इन, तो हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड है। अगला है मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज डन फॉर, तो 3 to 10 days के लिए हमारा मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है, तो ये इसको भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार JRFBHU और UPICAR जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया है और यूपी कैटेट में भी। नेक्स्ट है हमारा मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज डन फॉर 3 to 10 days, ये वही क्वेश्चन है। अगला है फॉरकास्ट विल हेल्प इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न, तो लॉन्ग रेंज जो वेदर फॉरकास्ट होता है वो क्रॉपिंग पैटर्न के प्लानिंग में काम आता है। अगला है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन के अनुसार 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं इंडिया में। अगला है अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया, तो इसके अनुसार 21 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस फारेनहाइट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। जो प्रकृति रूप से वार्मिंग का प्रोसेस होता है वो भी सनलाइट के इंटरेक्शन से और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई अन्य गैसों के द्वारा जो कि एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं और वार्मिंग का कारण बनते हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस, देर आर कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला है चीफ ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो CO2 जो कि 50% योगदान देता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला है विच ग्रीन हाउस गैस लिंक्ड विथ राइस क्रॉप, तो मेथेन,
यानी ये एक ग्रीन हाउस गैस है और ये राइस की फील्ड से निकलता है। अगला है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, तो सी एफ सी एंड CF2Cl2। इसका सीधा सा ये मतलब है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण बनते हैं। ये एक गैस है जो कि रेफ्रिजरेंट से निकलती है। अगला है विच वन इज़ ए सब्स्टिट्यूट फॉर CFCs, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो CFCs यानी इनके सब्स्टिट्यूट हैं। अगला है द केमिकल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एसिड प्रेसिपिटेशन आर, तो जो एसिड प्रेसिपिटेशन में केमिकल्स होते हैं वो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दोस्तों इसे अम्ली वर्षा बोलते हैं। इसके कारण ही जो इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं उन पे जो डिप्लीशन होता है, जैसे ये बारिश के समय अम्ली वर्षा हुई तो उससे उनको क्षति पहुंचती है, जैसे ताजमहल को पहुंचता है, जो संगमरमर है उसका कलर फीका पड़ने लग रहा है। अगला है नॉर्मल रेन वाटर इज़ स्लाइटली एसिडिक विथ ए पीएच ऑफ अबाउट, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है विद द 5.6 पीएच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।